सोशल मीडिया ने कई लोगों की जिंदगी बनाई है और उन्हें रातों रात स्टार बनाया है। अब एक बार फिर सोशल मीडिया की ताकत सामने आई है। जी हाँ, दिल्ली के मालवीय नगर में ढाबा चला रहे 80 साल के एक गरीब बुजुर्ग कांता प्रसाद का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में वह खाना ना बिकने की वजह से रोते हुए दिखे और उनके ढाबे का नाम बाबा का ढाबा है, जिसे वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर चलाते हैं। ये दंपति गरीबी की मार झेल रहा है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद बाबा के ढाबे पर लोगों की लाइन लग गई है। सेलेब्स भी बाबा का ढाबा को सपोर्ट करते हुए बुजुर्ग कांता प्रसाद की मदद के लिए आगे आए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने बाकायदा ट्वीट करते हुए लिखा है, जो भी यहाँ खाना खाए मुझे तस्वीरें भेजे, मैं आपकी तस्वीरों के साथ एक स्वीट मैसेज लिखूंगी। वहीं रणदीप हुड्डा ने लिखा, अगर आप दिल्ली में हैं तो यहाँ जरूर जाएं, बाबा का ढाबा। इसके अलावा सुनील शेट्टी ने लिखा, इनकी स्माइल को वापस लाने के लिए चलो मदद करें, हमारे पड़ोसी वेंडर्स को मदद की जरूरत है। स्वरा भास्कर लिखती है, दिल्ली चलो बाबा का ढाबा पर मटर पनीर खाते हैं। मालवीय नगर में निवृत कौर ने लिखा, मेक दिस योर नेक्स्ट स्टॉप अमंग मैनी सच अदर्स इन योर नेबरहुड वेयर एवर यू आर। तो वहीं सोनम कपूर ने कांता प्रसाद का वीडियो शेयर कर डिटेल मैसेज करने को कहा है। तो यहाँ आपको ये बता दें कि इस वीडियो को वसुंधरा तानके शर्मा नाम की एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया है और जिसके बाद से ही ये वीडियो खूब वायरल हो रही है। ढाबे के मालिक कांता प्रसाद का कहना है कि अब उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। कांता प्रसाद साल 1990 से ये ढाबा चला रहे हैं। उनके ढाबे पर चाय, चावल, दाल, सब्जी, रोटी, पराठे मिलते हैं और तमाम लोगों का सपोर्ट मिलने के बाद अब बाबा का ढाबा शानदार चल रहा है। वहीं जाते जाते दिखाते हैं आपको कांता प्रसाद का ये वीडियो। हम बहुत महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे साथ पूरा हिंदुस्तान है, सब लड़के बड़े हैं, हर कोई हमारी मदद कर रहा है। उसके क्या उम्मीद है आप तो सारे लोग आ रहे, आने वाले दिनों में भी आपके यहाँ सारे लोग आएंगे इस तरीके से आपकी मदद के लिए? तो आए जरूर आएंगे। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, आपके ढाबे में आए खाना खाए, क्या कहना? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि भाई हमारे पास लोग आए खाना खाए। देवी ये बताइए कितने सालों से है आपका ये ढाबा? सर 90 से। क्या दिक्कतें आ रही थी आप लोगों को? बिक्री कुछ होती नहीं रहा, जो कमाई होती रहा दो चार पैसा बिक्री होती रहा, जब तो बिल्कुल लेने होती है दूध से ये तने होती है कमाई, नहीं तो कोई भी नहीं ग्राहक है, खाना बच जा सारी घर ले जाएं, घर पर सब वही खाना खाएं, दो तीन दिन तो पुआस करे ना रहे राशन पता है कुछ रहा पैसा नहीं कि हमें ले आएं, तब 25-30 रुपया 40 रुपया किलो आटा रहा तब नहीं लिया पाई, तो में एक रोटी खा खा के बचे रहे सो में, तब से कुछ कमाई नहीं, बच्चे देते नहीं कमाई कुछ अपनी, अब एक बच्चे काम छूट गया एक करता है तो वो भी नहीं देता है, बेटी मेरे पास रहती है वो भी नहीं करती कुछ, कोटियों करती है तब दो चार पैसा तो वही ले आती है, नतीनी है तो उसको पढ़ाते हैं, 12 साल की है वह उसको पढ़ाते हैं, अब ऐसा है तो पढ़ाई नहीं होती है तो घर ही पे पढ़ती है, कागज जाती ले आती है उसकी माँ तो लिया के देती है तो वही काम करती है मोबाइल में देख देख के तो वही लिखती है। आपका बेटा आपकी मदद नहीं करता है? कोई नहीं, बेटा नहीं करते मदद। तो आप क्या परिवार के साथ रहते हैं? हाँ सब है, यकीन में काम नहीं करता है? नहीं। ये बताइए अम्मा कि आप लोगों की जो खबर है हर तरफ गई है, अब जो है आपकी दुकान में आज बहुत ज्यादा भीड़ देखने को? हाँ आज सुबह से, आज सुबह से है। कितने सब लोग आ गए हैं? मतलब बहुत आए हैं, चाय पी के गए, खाना लेके गए हैं, सब आते हैं। खाना जो था वो खत्म हो गया आज आपका? हाँ खत्म हो गया, चावल दाल राजमा लोग खत्म हो गए, तो मटर पनीर अभी है, रोटी बन रही है, परोठा बनाने के रहा बची तो अभी बन ना पाया, गैस खत्म हो गए तो घर से मंगवाया गैस। जब ये बताइए मतलब आज की अगर बात करें कितने मतलब कितना वो हो गया है, आप लोग कौन कौन से लोग आ गए, कितने लोग मतलब? सब लोग आए हैं, सब गौरव जी आए हैं, गौरव जी बहुत हमारे पहले मदद परसों से कर रहे हैं, कल से परसों से ने बहुत मदद कर रहे हैं गौरव जी। अम्मा आपको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी आप
आपका जो है ये ढाबा में ऐसे ही लोग आएंगे? हम कहने वैसे ही आए, तब उम्मीद नहीं रहा। अपनी किस्मत जब कह जाती है ना, तब कोई भी नहीं आता, जब कह जाती है। अम्मा कैसे लग रहा है, एकदम लोग नहीं आ रहे तो अचानक से लोग आपके ढाबे में आ? हाँ, अचानक से आया। हमें बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हमें इतनी खुशी है कि भगवान हमें इतनी परिवार दे दिए हैं। कितने साल की हैं अम्मा? 80। 80 साल की। आप और बाबा मिलकर ये ढाबा चलाते? हाँ, बाबा 80 है। वो 2-4 महीना फालतू होंगे 80 से, 80 साल हमारा हो गया।